अच्छा, मर्दान से मोहम्मद फारूक साहिब ने सवाल पूछा है कि मेरी मंगनी जिस लड़की से तय हुई है, तो क्या ये मंगनी और रिश्ता तय हो जाने के बाद मैं अपनी मंगेतर से कॉल पर या मैसेज पर बात कर सकता हूँ? इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म क्या है? तो भाई फारूक साहिब, इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म बिल्कुल वाज़े है कि मंगनी सिर्फ निकाह का वादा है, निकाह नहीं है। लिहाजा मंगनी हो जाने के बाद भी मंगेतर दीगर अजनबी लड़कियों की तरह नामहरम ही होती है, और नामहरम लड़की से ताल्लुकात बनाना, हंसी मजाक करना या बातचीत करना ये किसी भी तरह जायज़ नहीं है। और ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ अमूमन मंगनी एक लंबे अरसे तक चलती है, और इस दौरान लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बाज़ औक़ात तो मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं, और फिर इसमें किसी किस्म की कबाहत और हरज भी महसूस नहीं करते। हालांकि शरी तौर पर यह बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, और इससे बहुत सारी खराबियाँ और फितने भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए अक्लमंदी और समझदारी की राय यह है कि अगर कोई उज़र ना हो तो मंगनी के बाद निकाह और रुख्सती में ज़्यादा ताखीर ना की जाए, ताकि लड़का और लड़की दोनों बहुत सारे फितनों से और मुआशरती मसाइल से महफूज रह सके। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और हमारी औलादों को इफ़त और पाक दामनी के साथ शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।